हमारा जो गोल है वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पीस तक हम बात नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि एक्चुअली आप देखेंगे तो जैसे यूएसए, तो उनका अपने जो उनके नेबर्स हैं कनाडा, बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, दे डोंट नीड पासपोर्ट टू क्रॉस। प्लस यूरोपियन यूनियन आप देखेंगे, वहाँ पे दुनिया के जो सबसे बड़े वॉर्स हैं वो यूरोप में हुए हैं, और उसके बावजूद आज वो अपनी कंट्रीज़ को ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एनी पासपोर्ट वीज़ा। तो जब इतने बड़े वॉर्स यूरोप में, और अब वो दोस्त बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। रियल दिस डेकेड इज द यूथ, इवन यूथ एंड द यंग माइंड्स एंड ब्यूटीफुल माइंड्स, दे आर द ब्यूटीफुल माइंड्स फॉर द इंडिया, फॉर द पाकिस्तान। वी नीड टू बिल्ड द ब्रिज बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट ब्रिज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बट ब्रिज ऑफ द लव एंड द पीस। वी आर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, और इस वक्त हमारे खुद के, हमारे यहाँ पे भी, उनके यहाँ पे भी, हम सबके यहाँ पे माल न्यूट्रिशन का और हेल्थ का, और आप हमारे रोड्स देखेंगे तो पॉटहोल ज़्यादा हैं, और चलने रास्ता गाड़ी चलाने के लिए जगह कम। तो ये हमारे बेसिक यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो जो वहाँ पे सही है। उनके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो लड़ने की बजाय अगर हम एक्चुअली में इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इनको डेवलप करेंगे। आज दुख की बात, सबसे बड़ा दुखद आज का ये समाचार सुन के हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सरकार के स्तर पर जो बातचीत थी वो बंद सी हो गई है। वो हमारे कैंपेन को लेकर के, मतलब हमारा जो कैंपेन था उस पर कुछ खास असर तो नहीं डालता, लेकिन ये आगे के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है ना, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर, लेकिन सरकार ने बातचीत बंद करी है, लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है, छात्रों को अब एक पॉजिटिव सा एक रुझान मिला है कि नहीं, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इस इंडिया एंड पाकिस्तान से और डू, वी मस्ट कीप दिस इन माइंड दैट ओनली वे फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग लास्टिंग पीस इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर मोर एंड मोर सच विजिट्स and visa relaxation between the two countries if we want a peaceful region. Keep this in mind. Let's be friends. Let's just stop fighting. There's no point. We have bigger issues. We have poverty. We have rapes. We have so many things. Security issues. Let's tackle that.